आज के ज़माने में अगर कोई पहली नज़र के प्यार के बारे में बोले तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कल्पना वाली बात लगेगी। बिल्कुल इसी तर्ज पर आपको हैरान करने वाली एक लव स्टोरी है टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अर्जुन बिजलानी की और उनकी खूबसूरत पत्नी नेहा स्वामी की। अगर अर्जुन बिजलानी की लव स्टोरी को शुरू से समझें तो इनकी मुलाकात नेहा से एक पार्टी में हुई थी। उन दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो मन में ही एक दूसरे को पसंद आ गए। नेहा उस समय मिले जब हम तुमको के लिए नाम कमा चुकी थी और बेहद लोकप्रिय स्टार बन चुकी थी। दोनों के बीच एक कॉमन फ्रेंड ने उनका इंट्रोडक्शन कराया। परिचित होते ही बातें होने लगी। पार्टी में अर्जुन का सारा ध्यान नेहा पर ही केंद्रित हो गया था। इसके बाद तो अर्जुन ने साफ तौर पर यह तय कर लिया कि उनकी ये पहली नजर वाला प्यार सच्चा है और वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी बेहद खूबसूरत और यादगार शुरुआती मुलाकात को याद करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हम एक पार्टी में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले। मुझे वो प्यारी और मासूम लगी। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात उनकी सादगी पसंद थी। वहीं पर नेहा अपने खुले विचारों वाले नटखट पति अर्जुन के बारे में कहती हैं कि अर्जुन के लिए पहली नज़र का प्यार था, हालांकि मेरे लिए ऐसा नहीं था क्योंकि मैं शर्मीली और आरक्षित थी। उसके बाद दोनों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और इसके बाद जो जाहिर ही था कि अर्जुन ने बेहद खुले अंदाज में बिना देरी किए अपनी पसंद की लड़की नेहा से शादी का प्रस्ताव कर डाला। इस प्रस्ताव को जानकर नेहा काफ़ी परेशान हुई क्योंकि वो काफ़ी आरक्षित रहती थी और अपनी फीलिंग्स को लेकर वो इतनी ज़्यादा खुले दिलों वाली नहीं थी। इन दोनों ने अपने करियर पर फोकस करना ही उस समय सही समझा और अपनी लव स्टोरी को एक दूसरे के साथ देने के लिए इस्तेमाल किया। लगातार दोनों साथ दिखने लगे और काम भी करने लगे। लगातार 8 साल की लंबी प्रेम कहानी के बाद दोनों ने 20 मई 2013 को शादी के बंधन में बंध गए। इनकी शादी में उनकी फैमिली और फ्रेंड्स और काफ़ी टीवी से जुड़े लोग भी शिरकत करने पहुंचे थे। उसके बाद अर्जुन की ज़िंदगी में उनका बेटा आया जिसका नाम उन लोगों ने अयान रखा है और अयान का जन्म अर्जुन की सुपरहिट सीरियल से ठीक पहले हुआ था। मेरी आशिकी तुमसे ही से अर्जुन को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी और अयान का जन्म जनवरी में हुआ था जिसकी वजह से अर्जुन अपने बेटे को काफ़ी लकी भी अपने लिए मानते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों अर्जुन बिजलानी खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आ रहे हैं और खतरों के खिलाड़ी में उनका एक वाइल्ड अवतार देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है और वो बेहतरीन तरीके से स्टंट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ये भी खबरें हैं कि अर्जुन बिजलानी बिग बॉस 15 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स में से एक भी हैं। वेल, आपको अर्जुन की ये प्यारी लव स्टोरी कितनी पसंद आई हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।